खबर सीधा आप तक। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद एहतसाम आलम आर्यन इलेक्ट्रिकल मिल पट्टी बनमनती की ओर से, हम और हमारे स्टाफ की ओर से आप सभी को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सवाल हम उठे लिए भाई का, हम पर कर अभी पढ़े रहे और हर वार्ड में जिसका नाम कटा है उसका भी योजना लिखो। क्यों लिख कहे हम, क्यों कहे कि हमको जनता का दर्द है। बदनामी का टीका अगर है हम निकाल दें, बदनामी का टीका को तो निकालेंगे हम। अतः तुम आता है लड़ने के लिए, लड़ो नहीं, काम कर दो जनता का, लड़ो नहीं काम कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है मैं स्वदेशी। आइए, शपथ लेते ही सारे मुखिया आम सभा करना शुरू कर दिए हैं और आम सभा में लोग यत्र तत्र अपना बात रख रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं भरगमा अंतर्गत पंचायत बीर नगर पश्चिम, जी हां, जहां आज नरेगा भवन वार्ड नंबर 5 में आम सभा कराया गया। और आम सभा में जो मौजूद रहे वो थे पंचायत सचिव सदानंद राम और मुखिया कनीज फातिमा पति, शाहिद अंजुम और आवास सहायक चंदन कुमार पासवान, और लोगों का हुजूम देखने को मिला। आपको बता दें कि अपना अपना सभी बात रखे, चूंकि वार्ड सदस्य में सारे वार्ड सदस्य मौजूद थे और मौजूद रहने के कारण थोड़ा सा गहमा गहमी भी हुई, लेकिन बात को संभाल लिया गया और लोगों में ऐसा बोला गया कि इंदिरा आवास में बहुत सा नाम छट गया है, लेकिन आवास जो आता है वो ब्लॉक स्तर से आता है और उसका कोटा होता है कि कौन सा पंचायत को कितना आवास दिया जाए। आपको लिए चलते हैं बिल्कुल बीरनगर पश्चिम, जहां नरेगा भवन के प्रांगण में आम सभा आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। अपना हस्ताक्षर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है MS परदेसी। जी हां, जो चुनाव हुई उस चुनाव के बाद शपथ ग्रहण भी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जनता के हित में कौन सा कार्य हो अन्यथा ना हो, इसके लिए आम सभा बुलाया जाता है। और आज यहाँ बीरनगर पश्चिम पंचायत में वार्ड नंबर 5 में नरेगा भवन के प्रांगण में आम सभा रखी गई, जिसमें सारा लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुखिया के पास आए। पंचायत सचिव भी यहाँ मौजूद थे और आवास अधिकारी भी मौजूद थे, जिसके समक्ष में सारी बातें हुई, योजनाओं का खुलासा हुआ कि इस बार कौन कौन सा योजना इस धरती पे जमेगा। मांग जो लाइट, क्या मांग है? लाइट, लाइट कौन सा लाइट कहते हैं? वेपर लाइट, वेपर लाइट। अरे सही, हाँ बोलिए। बीरनगर पश्चिम वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 5 में लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वेपर लग जाता कादो कीचड़ के समय में बहुत ही परेशानी हम लोग को। यानी मुखिया जी से मांग है आपका के वेपरवा लगा दे? हाँ हाँ, मुखिया जी से मांग है, वेपर लगा दे। नाम है बबुआ? मेरा नाम MD औरंगजेब। घर है? हाँ, मेरा। बढ़िया बात है, और क्या बोलना चाहते हैं? है जवान है, इधर आइए, हाय मत कीजिए। मेरा घर है जोहीगंज एकराहा वार्ड नंबर 8 से आए हुए हैं आम सभा के लिए, जिसमें। तो पहले ही बताइए मुखिया जी का क्या नाम है? मुखिया जी का नाम है कनीज फातिमा। मुखिया जी का नाम कनीज फातिमा है। हाँ। तो क्या क्या उम्मीद रखे हैं इस बार? इससे बहुत उम्मीद है, ये काम करेंगे और काम का लायक भी है, जनता जो है चुना है, फिर से दोबारा मौका मिला है, बहुत अच्छा काम करेंगे। है जो आम सभा हुआ, हाँ। इसमें क्या समझ में आया आपको, कौन कौन सा योजना का यहाँ बंटवारा हुआ? इसमें जितना भी योजना के बारे में जो बोले हैं, सारे योजना जो है पास हो जाएंगे, इंशाल्लाह काम भी होंगे बीरनगर पश्चिम में, इस बार बहुत अच्छी से काम होगा। क्या नाम है? मोहम्मद फिरदौस आलम, घर जोईगंज, वार्ड नंबर 8। हाय, आइए, बड़ा गबरू जवान दिख रहे हैं, इधर आइए। क्या बोलते हैं आप, क्या मन में है, खुल के बोलिए। खुल के बोलेंगे, इससे पहले 1487 था। अच्छा। आवास में नाम। अच्छा। उसमें गरीब अमीर सब का था जी, जिससे कि पूर्व में 70 मुखिया नाम काटा, उसमें बचा 918 जी, जिसमें कि वर्तमान में शाहिद मुखिया है। इसको भी बहुत भारी गलती किया 70 मुखिया, उसे भारी गलती किया शाहिद मुखिया, जो 246 नाम काटा है। अच्छा, मुखिया जी यानी बोले तो लिस्टवा से 246 को गायब कर दिया। जी जी जी, हाँ। लेकिन मुखिया जी का कहना है, एक तो भरी गलती किया 70 मुखिया, हाँ। उसे
एक तो गलती कर ही गया, लेकिन ऊपर से गलती किया शायद मुखिया, जो गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन भरी आम सवाल लगा, बहुत खुशी की बात, अच्छा की बात था, लेकिन जिसमें निर्णय लिया कि चाहे हम पटना दौड़े चाहे कलेक्टर ऑफिस दौड़े, सभी का नाम वापस आना लेकिन चाहिए। मुखिया जी तो कह रहे हैं कि जिसका नाम छाटा है वो फिर से एप्लीकेशन दे। जी जी, छाटने का बहुत सा रीजन हो सकता लेकिन है, मुझे उम्मीद नहीं है कोटा हो नाम आएगा वापस। अगर पश्चिम में उतने हो यो देखा जाएगा। बिल्कुल, आप तनी पीओ साहब से आवास अधिकारी से मिल के पहले इस पे मंथन कीजिए, बाद में शिकायत कीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अच्छा, और कौन बोलते है? आई आइए मामा जी, कुछ कहिए ना, कुछ कहिएगा। हे हटो रे बबुआ। हाँ बोलिए। हाँ, जितने भी इंदिरा आवास कटा है ना, हाँ, वापस आना चाहिए, कोशिश। मतलब जो छट गया है वो फिर से वापस आए, ये बहुत बढ़िया बात लगा आपका। और कोई बोलिएगा? छह महीना पहले ने किया था। बोलिए, यहाँ बोलिए, क्या बात बोल। हम क्या बोलेंगे सर? हाँ। हमारे गांव में जो ना मंजरही में जो ना पश्चिम बीरनगर जो है ना वार्ड नंबर 9 में, हाँ, ना पूर्णिया का लाइट है ना अररिया का लाइट है। हम लोग इधर से चुरा के जलाते हैं, कभी उधर से चुरा के। बिजली मीटर हमारे घर में 2 साल से रखा हुआ है, न लगता है न और कुछ होता। हमारे सरपंच जी से वार्ड नंबर वार्ड समिति से हमारे अररिया में पूर्णिया में है, हमारे घर है अररिया में। अच्छा, वार्ड नंबर 9 में। अच्छा, और हमारे लाइट पूर्णिया से भी आता है, अररिया से भी आता है, न अररिया से लाइट है न पूर्णिया से लाइट है। अतः बाबर बाबा, दो नाव पे काहे चढ़ते हैं आप? दो नाव पे थोड़े हम लोग, एक ही नाव पे। अररिया में है तो अररिया का लाइट आना चाहिए, अररिया का लाइट आना चाहिए। लाइट नहीं हमारे यहाँ। सुनिए, अररिया के बिजली विभाग के अधिकारी लोगों का कहना है, कहा यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में बीरनगर पश्चिम में लाइटवे नहीं है, तनी इसको भी ध्यान रखा जाए। अभी तक पोल गड़ा है ना कभी, अभी मीटर मीटर तो सबके घर में लगा हुआ रखा हुआ वैसे। अच्छा, 2016 से, 2016 से क्या करे बबुआ? इंशाल्लाह मुखिया बन गया है ना। हाँ, सब चीज हो जाएगा धीरे धीरे। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास, 100%। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और आप भी कुछ कहिएगा? हो गया, चलिए बढ़िया है। लोगों ने आम सभा में सारा चीज का प्रस्ताव भी रखा, उसका सोल्यूशन भी होगा। मुखिया जी तनी ध्यान दीजिए, गरीब अगर बिगड़ गया तो बतवा बिगड़ जाएगा। सत्तर में कर दिया 550 का। अच्छा, ये समझ के कि हम अंसारी का वोट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर पता चला कि 250 का कट गया। अच्छा, कौन काटा? शाहिद मुखिया। किसका काटा? डॉक्टर फरहान का काटा, असलम बेग का काटा, लड्डू मुखिया का काटा। कटा कौन? पंचायत के जनता, आम जनता मारा गया ना। मेरा मानना है कि 1450 का लिस्ट जो पहले था वो आज भी होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए। जो होगा आप मान लीजिए। रही बात पंचायत में मुखिया शाहिद है, अरे है, हम भी इसके खिलाफ 5 साल लड़ेंगे, अपना हक लेंगे ना इससे। सही बात है, ये मौलिक अधिकार है मेरा इससे लड़ने का। अगर आनाकानी करता तो गलत है, कोई कहता है कि नहीं इसका बोलना गलत है तो वो गलत बात है। हम मौलिक अधिकार के तहत इससे जिंदगी भर लड़ेंगे, ये जब तक मुखिया रहेगा हम लड़ते रहेंगे। ये तो संविधान कहता है। संविधान ऐसा भाई। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम डॉक्टर फरहान, वार्ड नंबर 3 घर बीरनगर। जी शुक्रिया आपका। सर क्या क्या हुई इस आम सभा में? इस आम सभा में सबकी योजना, सबकी विकास के लिए सभी विचार विमर्श हुए, सभी उपस्थित जनता के बीच बातचीत हुई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क कार्य, ग्रामीण विकास के लिए, सभी कार्य के लिए, सभी के समक्ष उपस्थित जनता के बीच बातचीत हुई खुली आम में, जो कि सर एक चीज भीड़ में कहा जा रहा था, बहुत सारे लोगों का ये विरोध रहा कि इस बार इंदिरा आवास में नाम बहुत छटाई हुई है, इसके बारे में क्या कहें? यह इंदिरा आवास के लिए, इंदिरा आवास का ऊपर से ही कुछ ये हुआ त्रुटि के पूर्ण कारण ये हुई थी। क्या परिचय है सर? ये मेरा नाम सदानंद राम है, पंचायत सचिव बीरनगर पश्चिम। जी धन्यवाद। मुखिया जी ये बताइए आप कि आज जो आपका आम सभा हुआ, इस आम सभा में मुख्यतः 3 कौन ऐसा कार्य है जिसको आप करने जा रहे हैं? हमारे पंचायत के आवास प्लस में जो कुछ बिचौलियों को वैसे कटौती जो हो गया है, उसमें मुक्त हम अपना पहला योजना लिए हुए हैं कि उसको नाम वापस लाने के लिए अपना जहां तक प्रयत्न होगा वहां तक करेंगे। पंचायत में 3 ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें से एक कार्य आपने बताया, और 2 कौन सा ऐसा सड़क है जो आप बनवाने जा रहे हैं?
अभी 14 वार्ड में हमारे वार्ड मेंबर हमको दिए हुए हैं, अभी चुने हम 14 वार्ड में पहले एक एक योजना करेंगे मनरेगा के तहत। ये योजना इंशाल्लाह हमारे वार्ड सदस्य को, सब वार्ड सदस्य को एक एक योजना देंगे करवाने के लिए कि क्या करते हैं। एक बात और रह गई मुखिया जी के, आप कोई भी, चूँकि पंचायत में ऐसा ऐसा कार्य है जहां पे विधायक कोटा से काम हुआ है, तो एक दो सड़क ऐसा है जहां पे विधायक कोटा से कार्य करना है, जैसे यहां जोगीगंज से लेकर के कदवाहा तक सड़क है जो कि लंबा सड़क है, बोले तो 1 किलोमीटर का सड़क है, तो ये योजना क्या आप विधायक जी से ला पाएंगे? ये योजना लाया हुआ है, विलम्ब हो रहा है, इस योजना पर ध्यान देंगे कि उसको ठेकेदार को बोलेंगे कि काम इस योजना को पूर्ण करें। कौन सा पंचायत का मुखिया है? बीरनगर पश्चिम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अंजुम है, मुखिया प्रतिनिधि कनीज फातिमा, मेरी पत्नी मुखिया है जी। धन्यवाद आपका।